विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं विनय थानवी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा जी जुड़े हैं। आप वर्तमान में अतिरिक्त प्राचार्य सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पदस्थ है, साथ ही डायबिटिक केयर एंड रिसर्च सेंटर के प्रभारी हैं। आज विश्व मधुमेह दिवस है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, क्या होता है डायबिटीज? विनय जी, शुगर, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह तीनों एक ही प्रकार के नाम हैं। डायबिटीज़ जो शुगर बोलते हैं उस अवस्था को बोलते हैं जब हमारे ब्लड के अंदर खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। होता है तब ये जब, बाय द वे, दो मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं कि किसी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर इंसुलिन की मात्रा शरीर के अंदर कम हो जाए या दोनों एक साथ उपस्थित हों। जब ये दोनों चीज़ें एक आपस में कोऑर्डिनेशन इनका बिगड़ता है उस लेवल में शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर यूजली बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ मेलाइटस को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 3 डायबिटीज़ एंड टाइप 4 डायबिटीज़। ये सारी प्रकार की शुगर में से 90% और मोर देन 90% जो शुगर है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। बाकी की 10% है जिसके अंदर टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 1 डायबिटीज़ आती है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक्चुअली बच्चों के अंदर मुख्यतः मिलती है। टाइप 3 डायबिटीज़, मोनोजेनिक डायबिटीज़ जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वो उसके अंदर होती है। साथ में ही पैनक्रियाज के अंदर किसी के अंदर बीमारी वगैरह पहले से कोई रही है तो उसके अंदर इस तरह की टाइप 3 डायबिटीज़ मिल सकती है। टाइप 4 जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो रही है आजकल हमारी गर्भवती महिलाओं के अंदर। ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये महिलाओं के अंदर, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर कभी भी आ जाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कभी भी आ सकती है, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जो मुख्यतः डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो 90% से ज़्यादा आदमियों के अंदर मिलती है। इसके अंदर मुख्य कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है। ये दोनों का जब अगर मिसमैच कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी वजह से शुगर के अंदर, ब्लड के अंदर शक्कर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो जो शक्कर है वही सबसे बड़ा एक इन्फ्लामेटरी ज्वलन पदार्थ है बहुत सारी कोशिकाओं को डैमेज करने के लिए, जिसमें तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है और सामने आती है, जिसमें दिमाग की कॉम्प्लिकेशन, आँखों की कॉम्प्लिकेशन, दिल की कॉम्प्लिकेशन, फेफड़ों की कॉम्प्लिकेशन, नसों की कॉम्प्लिकेशन, गुर्दे की कॉम्प्लिकेशन और जहाँ तक शरीर टॉप टू बॉटम जहाँ से ऊपर से नीचे तक चलते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, ये तभी आती है जब शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उस सिचुएशन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। शुगर मरीजों की जागरूकता के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जागरूकता की जहाँ तक बात है, आज वर्ल्ड डायबिटिक्स डे है, इसके अंदर में सभी हमारे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को और हमारे डिस्ट्रिक्ट बीकानेर के पर्टिकुलरली हमारे ज़िले के सभी लोगों को एक ही तरह की मैं संदेश देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें। और मुख्यतः डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारे पास वो एक ही हथियार है, एक्सरसाइज। एटलीस्ट 45 मिनट पर डे डेली एक्सरसाइज, या तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं या जिमिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है 45 मिनट पर डे या हफ्ते में 5 दिन करेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट, मोर देन इनफ टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, पर्टिकुलरली डायबिटीज़। एक सबसे पहले एक्सरसाइज, दूसरा डाइट पे कंट्रोल, सिंपल शुगर जिसमें श्वेत शुगर सबसे ज़्यादा होती है, गुड़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, खांड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उनको अपने से दूर रखने का कष्ट करें, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है शुगर का, और अधिक से अधिक कैलोरी शरीर के अंदर जाने का। तो जितना इनको कम यूज़ करेंगे, इनसे बने हुए सामान को कम यूज़ करेंगे, शुगर की मात्रा उतनी शरीर के अंदर कम पहुँचेगी। और कॉम्प्लिकेटेड शुगर, कार्बोहाइड्रेट, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसके के अंदर फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं और बीन्स होती है और नट्स होते हैं, दालें होती है,
इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें ताकि सेटेटरी भूख जल्दी बड़े भरेगी, हमारी भूख कम लगेगी, पेट जल्दी भरेगा और उसी के साथ में शुगर की मात्रा इमीडिएटली बढ़ेगी, नहीं कम मात्रा में बढ़ेगी ब्लड के अंदर। तो वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, जिससे शुगर की मात्रा कम मात्रा में बढ़ती है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली विटामिंस और मिनरल्स की मात्रा अच्छी मात्रा में मिलती है। तो सेकंड पार्ट डाइट है, थर्ड पार्ट हमारा वेट है कि हमें अपना वेट हमेशा BMI हमारी बॉडी मास इंडेक्स आइडियल बॉडी वेट के अंदर रखना चाहिए, जिसको कोई भी आदमी कभी भी वेट के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। और वेट को नियमित रूप से कंट्रोल रखने का एक ही तरीका है जो हर आदमी अपने घर पे भी कर सकता है, आइडियल बॉडी वेट को नॉर्मलाइज रख के। आइडियल बॉडी वेट मीन्स 100 माइनस हाइट माइनस 100 इज इक्वल टू आइडियल बॉडी वेट। आपकी हाइट को अगर हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके उसमें से 100 को माइनस करते हैं तो वो आपका आइडियल बॉडी वेट है। अगर इस बॉडी वेट के ऊपर आप चलते हैं तो समझ लिए कि शुगर की मात्रा डायबिटीज़ होने के चांसेस उतने ही कम रहते हैं आपको। अब आइडियल बॉडी वेट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने का दो ही तरीके हैं, एक एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, तीसरा डाइट के बारे में पर्टिकुलरली ध्यान हो, तीसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, डाइट और वेट कंट्रोल, दीज आर द ये मेन पिलर हैं शुगर कंट्रोल के। कई बार सर देखा जाता है कि मरीज कन्फ्यूज होते हैं जांचों को लेकर के, तो आप इस बारे में मरीजों को थोड़ी जानकारी प्रदान कीजिए। जिसको ऑलरेडी शुगर हो चुकी है, जो शुगर की दवाई पे है, उसको हम लोग ये सलाह देते हैं कि 6 महीने में मिनिमम एक बार या 1 साल के अंदर आँख की और दूसरे पैरामीटर की 6 महीने में एक बार अपने संपर्क चिकित्सक द्वारा परामर्श करके एक बार टेस्ट करवाएं, जो कम से कम मात्रा में हो सकें वो चिकित्सक उनको एडवाइस करेगा। और एक HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पिछले बीते हुए 6 हफ्ते से लेकर 2 महीने के बारे में शुगर की ब्लड के अंदर स्थिति के ऑन एवरेज स्थिति का पता चलता है। तो कम से कम 1.5 महीने 2 महीने के अंदर एक बार HbA1c करा के उसकी सूचना डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि HbA1c अगर आपकी 6.5 से लेके और 7 के बीच में भी रहती है तो मैं समझता हूँ कि शुगर आपका अच्छा कंट्रोल है। वैसे नॉर्मल इंड्यूजल के अंदर HbA1c की मात्रा 5.7 से कम होनी चाहिए, और अगर 5.7 से लेके 6.4 के बीच में आती है तो हम उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ उसको कभी भी हो सकती है, वो प्रिकॉशन लेना शुरू करें। और जैसे ही किसी पेशेंट को 6.5 आती है, इसका मतलब बोलते हैं कि उसको शुगर की बीमारी है। तो HbA1c एक हमारे पास ऐसा पैरामीटर है जिसको शुगर कंट्रोल है क्या नहीं है या होने जा रही है, उसकी पूरी जानकारी देता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया। थैंक यू। थैंक यू विनय जी, थैंक यू वेरी मच आज के इंटरव्यू के लिए, थैंक यू वेरी मच।